यहाँ पे बोलते ही बोलते मैच का आरंभ हो चुका है और बड़ा ही खूबसूरत और रोमांचक मैच है और बड़ा ही दमदार मैच है। सुभाष ग्राम बाजा वर्सेस वर्धा, दोनों ही टीम। एक विशेष सूचना, जो भी भाई लोग पानी के बोतल ग्राउंड में बेच रहे हैं वो कृपया पानी के बोतल ग्राउंड पे बेचना बंद करें, क्योंकि जो दुकानदार लोग बैठे हैं बाहर दुकान लगाकर उनका कंप्लेन है कि आप लोग घूमते हो मत बेचो, जिसको चाहिए वो जाके बाजार से खरीद के लाएगा। इसलिए जो भी घूमते हुए यहाँ पे मैदान में कोई भी चीज घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, पानी के बटर 12 बजे जो बेच रहे हैं वो भी अभी घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कमेटी के सामने मैदान में बेचना नहीं है, मैदान के बाहर बेचो। हाँ, जो भी पानी का बोतल और जो 12 बजे जो बेचने वाले हैं वो कृपया करके कोई भी चीज मैदान के अंदर मत बेचो, बाहर ही बेचो, क्योंकि बाहर में जो दुकान लगा के हम लोग बैठे हैं तो पानी बोतल वाले 12 बजे वाले दुकान बाहर ही लगाओ, मैदान के बाहर। क्या कोई है कैप्टन कोच मैनेजर साहब। इसी बीच हम आपको लेके चलते हैं गेम के बीचों बीच जो भी लाइव बात दे दो ग्राम के बीच बोलते ही बोलते शिवाजी के पैरों में बॉल, देखते हैं चंदन दादा क्या करते हैं चंदन दादा, लेकिन वहां पे फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, वर्धा अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए सेंटर में, फिर से वहां पे शिवाजीराम के पास बॉल, शिवाजीराम अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए आगे लेके जाते हुए बॉल को वहां पे फिर से, लेकिन वहां पे वर्धा बोलते ही बोलते बॉल बाहर। यहां पे थ्रोइंग से यहां पे बैटिंग से फिर से गेम स्टार्ट होते हुए यहां पे गोलकीपर का हल्का पास, गोलकीपर का पास, फिर से वहाँ पे दो नंबर जैसे अपने साथी खिलाड़ी शिवाजी ग्राम के ढूंढते हैं, यहाँ पे फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, वर्धा के 9 नंबर जैसे अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हैं आगे लेके जाते हैं, फिर से 9 नंबर खिलाड़ी वर्धा के वो कंट्रोल टच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं, यहाँ पे फिर से वर्धा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे रेफरी सर का सर तुम्हारा किंतु तो हाथ दबा है मिलने वाला है। यहाँ पे फ्री किक मिलने वाला है वर्धा को, यहाँ पे वर्धा का फ्री किक, देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर से वो काउंटर अटैक कर सकते हैं, इसको गोल में परिवर्तित कर सकते हैं। अभी देखना ये है कि डिफेंडर इसको किस तरह से डिफेंड करते हैं, इसके डिफेंस पे अब डिफेंडर क्या कर पाते हैं या फिर गोल होता है। हेलो, कोई भी खिलाड़ी कमेंट ना करे, रेफरी मैच जैसे दे रहे वैसे बातें करो, कोई भी कमेंट ना करे, कमेंट ना करे कोई भी। ऑटो और फुन्नस भाई को लो यहाँ पे वर्धा का, लेकिन ये फ्री किक को वर्धा कुछ नहीं कर पाए, इनका लक इनका चांस मिस हो चुका है, जो कि गोल्डन चांस था एकदम टी के सामने से अटैक करने का, जिसको वो आसानी से गोल पर रूपांतरित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। अभी यहाँ से फिर से बोलते ही गेम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे वर्धा के पैरों में बॉल, वर्धा अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हैं, यहाँ पे फिर से सुभाष ग्राम के पैरों में बॉल, फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, वर्धा फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे फिर से वर्धा कभी वर्धा तो कभी सुभाष ग्राम, दोनों ही टीम बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्धा के पास नंबर जैसे देखते क्या कर पाते हैं, यहाँ पे बॉल वर्धा के टीम के पैरों में बॉल, यहाँ पे फिर से वर्धा के 9 नंबर जैसे
वो अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते यहाँ पे लंबा किक वर्गा था। यहाँ पे सुभाष ग्राम का हेड से बॉल क्लियर करते हुए यहाँ पे फिर से सुभाष ग्राम और बोलते ही बोलते बॉल बाहर। और यहाँ पे वर्धा थ्रोइंग, वर्धा अपने साथी खिलाड़ी को थ्रोइंग करते हुए वर्धा फिर से यहाँ पे वर्धा सुभाष ग्राम के डिफेंडर देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पे बोलते ही बोलते सुभाष ग्राम के डिफेंडर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉल को डिफेंस करते हुए बाहर कर दिए हैं। यहाँ पे बैटिंग कर रहे सुभाष ग्राम का बैटिंग। यहाँ पे सुभाष ग्राम के कीपर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैटिंग करते हुए फिर से वर्धा के पैरों में बॉल। वर्धा अपने खेल का प्रदर्शन बड़े ही खूबसूरत तरीके से करते हुए फिर से वर्धा के पैरों में बॉल। वर्धा और बॉल बाहर। यहाँ पे फिर से थ्रोइंग से गेम स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे सभी खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरत खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर से यहाँ पे वर्धा के खिलाड़ी ने नए बॉल को वर्धा के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे ही हमारे सुभाष ग्राम के खिलाड़ी भी कर रहे हैं। यहाँ पे रोहित भैया के में बॉल, रोहित का बॉल को आगे देते हुए बॉल बाहर। बात रोके ले जाने जाने वाले निशिकांत रॉय। यहाँ पे फिर से स्किप की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे सुभाष ग्राम का कॉर्नर नहीं, यहाँ पे थ्रोइंग से फिर से गेम की स्टार्ट होते हुए फिर से थ्रो कॉर्नर किक से कम है क्या? यहाँ पे फिर से सुभाष ग्राम काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन वर्धा के डिफेंडर ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से को क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से फिर से वर्धा का लंबा किक। यहाँ पे फिर सुभाष ग्राम, सुभाष ग्राम के 9 नंबर जैसे अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हैं आगे लेके जाते हैं। अभी देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पे वर्धा अटैक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे सुभाष ग्राम के डिफेंडर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफेंस बिल्कुल हाइट पे मत जाइए, बिल्कुल हाइट पे मत जाइए। यहाँ पे फिर से वर्धा फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश, अपने साथी खिलाड़ी को आगे लेते हुए यहाँ पे फिर से वर्धा के पैरों में बॉल जमा। यहाँ पे फिर से सुभाष ग्राम के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर खेल करते फिर से वर्धा के पैरों में बॉल। कभी वर्धा कभी सुभाष ग्राम, यहाँ पे फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश, बोलते ही बोलते यहाँ पे 1-0 गोल से वर्धा के टीम अपने नगह को यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से गोल को मान्य नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ऑफसाइड था। गोल तभी मान्य किया जाता है जब उसको सुचारू रूप से उसको दागा जाए, लेकिन यह ऑफसाइड होने के कारण इसको मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं सनातन सर से अनुरोध करूंगी कि वो आगे के मैच का आंखों देखा हाल आपको मौजूदानी सुनाएं। धन्यवाद। हेलो हेलो, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेताजी संस्कृत तथा क्रीड़ा मंडल की ओर से, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे सभी कमेंटेटर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मुखर्जी को, मेरे साथी कमेंटेटर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी रोमांचक मैच दोनों टीमों के बीच इसी मैदान में आप सभी के सामने खेली जा रही है, जो कि वर्धा वर्सेस सुभाष ग्राम बाजार। कोई भी टीम स्कोर करने में सक्षम नहीं, 0-0 के स्कोर पर दोनों टीमें खेल रही है। काफी घनश्याम मुकाबला यहाँ पे चल रही है।
जो कि वर्धा वर्सेस गोपाल ग्राम बाजार के बीच खेली जा रही है। कोई भी टीम स्कोर करने में सक्षम नहीं हुए। 0-0 के स्कोर पर दोनों टीमें खेल रही। गोपाल ग्राम का ऊंचा लंबा की सेंटर लाइन क्रॉस काफी अच्छा हेडर का प्रदर्शन दिखाते हुए वर्धा के खिलाड़ी उसके पास गोपाल ग्राम अपने प्लेयर को मद्देनजर रखते हुए चतुराई से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए सुभाष ग्राम के प्लेयर वर्धा के प्लेयर अपने साथी खिलाड़ी को फॉरवर्ड करते हुए फिर पे वर्धा वर्धा का प्लेयर देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे हमारे रेफरी महोदय के व्हिसल फ्री किक फाउल किक फेवर ऑफ वर्धा वर्धा के प्लेयर फाउल किक लेते 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी और ये शानदार किक नीचे सम्मुख बॉल लेकिन इस बीच रेफरी की लंबी व्हिसल फ्री किक हल्का सा किक अपने साथी प्लेयर को देते हुए वहां से फिर से एक बार सेंटर को क्रॉस करते हैं वर्धा वर्धा ने अपने प्लेयर को बॉल दिया देखते हैं क्या कर पाते हैं वर्धा फिर से एक बार सुभाष ग्राम इस बीच फिर से एक बार सुभाष ग्राम के प्लेयर के पैरों में बॉल सुभाष ग्राम के प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने साथी प्लेयर को देते हुए वर्धा के प्लेयर अपने साथी प्लेयर को हल्का सा फॉरवर्ड देते हुए वर्धा के प्लेयर अपने बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए वर्धा के प्लेयर अपने साथी प्लेयर को देते हुए और बॉल सीधा लेके आगे बढ़ते हुए वर्धा के प्लेयर देखते हैं क्या कर पाते हैं शानदार किक बीचों-बीच बॉल फिर से एक बार आक्रमण वर्धा के आक्रमण देखते हैं वर्धा क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए फिर से एक बार वर्धा शानदार किक उससे हेडर से बॉल को क्लियर करते हुए बॉल सीधा रेखा से बाहर जाते हुए और यहाँ पे कॉर्नर किक फेवर ऑफ वर्धा के फेवर में कॉर्नर किक के लिए तैयार है वर्धा के प्लेयर गोल भी बहुत है गोल काफी शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी लेकिन कोई भी टीम अभी तक स्कोर करने में सक्षम नहीं हुए 0-0 के स्कोर पर दोनों टीम शानदार किक उतनी शानदार किक यहाँ पे वर्धा द्वारा लेकिन बॉल सीधा रेखा से बाहर जाता गोल मत लो और यहाँ पे बैटिंग का इशारा रेफरी द्वारा बैटिंग देते हुए सुभाष ग्राम के खिलाड़ी और यहाँ छोटा सा किक अपने प्लेयर को फॉरवर्ड करते हैं फिर से अगर वर्धा के खिलाड़ी देखते हैं क्या करते हैं वर्धा के खिलाड़ी बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए अपने साथी प्लेयर को देते हुए वर्धा कॉर्नर को बॉल दे देखते हैं कॉर्नर क्या कर पाते हैं फिर से एक बार वर्धा के खिलाड़ी के पैरों में बॉल अपने साथी खिलाड़ियों को देते हुए वर्धा बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से एक बार 10 नंबर के खिलाड़ी जो कि वर्धा की ओर से खेलते हैं बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार आक्रमण हो सकता है वर्धा के प्लेयर के पैरों में बॉल वर्धा के प्लेयर अपने साथी प्लेयर को फॉरवर्ड करते हुए फिर से एक बार वर्धा के प्लेयर देखते हैं क्या करते हैं फिर से एक बार डीगो बीच बॉल इस बीच बॉल को क्लियर करने में सक्षम और यहाँ धीरे 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 रेफरी द्वारा दोनों टीम काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए 0-0 के स्कोर पर दोनों टीम शानदार किक इस बीच शानदार हेडिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए लेकिन बॉल सीधा रेखा से बाहर और यहाँ बैक किक का इशारा रेफरी द्वारा इस बीच फिर से एक बार बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए सुभाष ग्राम के खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी फिर से एक बार वर्धा के प्लेयर इस बीच बॉल रेखा से बाहर और यहाँ रोहित फेवर ऑफ सुभाष ग्राम अपने साथी प्लेयर को बॉल देते हुए सुभाष ग्राम हेलो नेताजी सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित नेताजी का फुटबॉल टूर्नामेंट नेताजी सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित नेताजी का फुटबॉल टूर्नामेंट वर्तमान এটাকে রাজ্যস্তরীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট বলাটাও ভুল হবে না আজ সমস্ত দর্শকগণের জন্য অথবা ফুটবল প্রেমিকদের জন্য আমরা জানাতে বাধ্য তাদের অবগতির জন্য আজ যে টুর্নামেন্টগুলি একটা বিশাল টুর্নামেন্টের
একে অপরের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। সেখানে অরুণনগর ভার্সেস গৌরীপুর প্রথম ম্যাচ ছিল আজকে। বর্তমান সুভাষগ্রাম বাজার ভার্সেস অর্ধা চলছে। পরবর্তী ম্যাচ আষ্টি ভার্সেস সুভাষগ্রাম এ, আষ্টি ভার্সেস সুভাষগ্রাম এ এর পরবর্তী ম্যাচ। উভয় টিমকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, আপ আপনার টিমকে তৈয়ার রেখে এস ম্যাচকে খতম হতেই আপকো ময়দান মে উতরনা হয়। তার পরবর্তী ম্যাচ জুনিয়র কলেজ সুভাষগ্রাম ভার্সেস চন্দ্রপুর শহর, জুনিয়র কলেজ সুভাষগ্রাম ভার্সেস চন্দ্রপুর শহর। তার পরবর্তী ম্যাচ বিষ্ণুপুর ভার্সেস পুষপ এফসি, বিষ্ণুপুর ভার্সেস পুষপ এফসি পুষপ ফুটবল ক্লাব। তারপরে মাহাদুরপুর ভার্সেস এস এস সাহা ওড়িশা, যাদের খেলা আপনারা কয়েক বছর যাবৎ এই মাঠে তারা প্রদর্শন করে চলছে, সেই ওড়িশা টিম এস এস সাহা ওড়িশা ভার্সেস মাহাদুরপুর। এবং আজকের অন্তিম ম্যাচ থাকবে বসন্তপুর, বসন্তপুর ভার্সেস জানলা এফসি, জানলা ফুটবল ক্লাব ভার্সেস বসন্তপুর। তো আজ প্রত্যেকটা ম্যাচে সুন্দর প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা এই মাঠে খেলা দেখব। অতএব সমস্ত দর্শক এবং ফুটবল প্রেমীর অবগতর জন্য জানানো হচ্ছে, আপনারা আসুন। আমরা নেতাজি সংস্কৃতি ফুটবল, নেতাজি সাংস্কৃতিক তথা ক্রীড়ামণ্ডল সুভাষগ্রামের পক্ষ থেকে নেতাজি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে সমস্ত খেলোয়াড়, সমস্ত দল, টিম এবং বিশেষ করে আমরা আমাদের সুভাষগ্রাম, সুভাষগ্রামের পরিসরের সমস্ত ফুটবল প্রেমী দর্শক বৃন্দকে আহ্বান জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, আজ এই সুন্দর খেলার আনন্দ উপভোগ করুন। সুন্দরভাবে খেলা চলছে সুভাষগ্রাম বাজার ভার্সেস ওয়ার্দা। এরপরে সম্পূর্ণ নিজ চোখে দেখে তার বিবরণটা জানাতে আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে বসে আসে আমাদের কমেন্ট্রেটর, আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো তারা কমেন্ট্রিটি শুরু রাখবে। হ্যালো, বহুত বহুত ধন্যবাদ আসমজি বড়ো স্যার। চলিয়ে আপ সবই অফিসিয়ালি চলতে অফিস বিলকুল ম্যাচ কে রুবরু काफी शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी जो कि वर्धा वर्सेस सुभाषग्राम बाजार के बीच इसी मैदान में खेली जा रही, 0-0 के स्कोर पर दोनों टीमें खेल रहे हैं। और बीच बार फिर से बाहर रेफरी की हुसल, शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी कोई भी टीम स्कोर करने में सक्षम नहीं हुए, 0-0 स्कोर पर दोनों टीमें। ऊंचा लंबा की सेंटर लाइन क्रॉस, फिर से एक बार सुभाषग्राम, सुभाषग्राम के प्लेयर के बारे में बॉल, इस बार सुभाषग्राम के आक्रमण देखते क्या कर पाते। फिर से एक बार वर्धा, वर्धा के प्लेयर अपने साथी प्लेयर को बर्बाद करते हैं। फिर से पर वर्धा, वर्धा के नौ नंबर जैसे पहना खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे तक पर आगे बढ़ते हुए अपने साथी प्लेयर को देते हुए। फिर से एक बार वर्धा, वर्धा के प्लेयर कॉर्नर को बॉल देते हैं, देखते कॉर्नर क्या कर पाते हैं। लेकिन काफी कोशिशें कर रहे हैं वर्धा की टीम, लेकिन वो एक दावा देना कोशिश करते रहो, क्योंकि लहर से डर कर वो पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। फुटबॉल ऐसे गेम है कि जो पूरी मेहनत, जोश, जुनून, कौशल्य से खेलेंगे जीत उनकी निश्चित होगी। फिर से एक बार वर्धा, वर्धा के प्लेयर के बारे में बॉल, वर्धा के 9 नंबर जर्सी पहना प्लेयर और यहाँ ऊंचा लंबा की फिर से अपने साथी खिलाड़ी को फॉरवर्ड करते हुए। फिर से एक बार वर्धा, वर्धा के खिलाड़ी देखते हैं क्या कर पाते हैं। वर्धा अपने साथी खिलाड़ी को फॉरवर्ड करते हुए और यहाँ कॉर्नर को बॉल दिए वर्धा, वर्धा की टीम इस बार फिर से एक बार आक्रमण, वर्धा की आक्रमण, शानदार किक और एक शानदार শানদার খেল কা প্রদর্শন গোলকিপার
ओलंपिक फिर से पर कॉर्नर। उसके पहले मैं कमेंटेटर में परिवर्तन करना चाहूँ, मेरे साथी कमेंटेटर सन्मानीय प्रभात जी, आप लोगों का आगमन का हाल सुनाएंगे, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। स्वागत है प्रभात जी आपका। अरे तो वो कीपर था ना, वो सुना जेबली एक बही कोई तो बोल उस लिए ही सिंधा भर ठीक है वैसे एक जगह धड़कने इतनी तेज हुई, धड़कने इतनी तेज हो गई थी कि अगर कल मुंह खुला होता तो कलिजा बाहर आ जाता, कलिजा मुंह में आकर के फंस गया था। अगर जरा सी भी खुला और खुला रहता तो बाहर आ जाता, लेकिन उतनी ही तारीफ मैं इस बंदे का करना चाहूंगा। पैसे टाकर जो ना स्कोर करा लगो जल्दी जल्दी। आइए चलते हैं जहां फर्स्ट हाफ का मैच खत्म हो चुका है, सेकंड हाफ का मैच अभी अभी शुरुआत हो चुकी है और दूर से गोल पोस्ट टच करके खेलने की दागने की एक प्रयास प्रक्रिया प्रतिष्ठा चलाने की कोशिश, लेकिन वो बंदा जिसकी तारीफ हम करते थकते नहीं है और नाम है छोटू सुभाष व्यापिया, उसे गोलकीपर के रूप में आज दिखाई दे रहे हैं और वो बारंबार अपने टीम के लिए अपना योगदान शत प्रतिशत प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉर्नर की के बाद अगर फिर से मैच हो जाए तो चल लंबा ठीक करके कि साथी खिलाड़ी को ढूंढ कर देने के लिए नहीं, एक बार फिर से वही दूर से ही गोल पोस्ट को लक्ष्य करके फेंक दिया और मलाई जो लेफ्ट आउट से खेलते हैं सुभाष ग्राम की ओर से, लेकिन नहीं बोतल किसी को बंद आज है, मैंने प्लेयर को पीने के जाने के बोला, यहाँ से बोतल लेके फिर बाद में उसको खराब करके बाहर फेंकते, किसी को बोतल मत दो, यहाँ से पानी पीने बोलो। चलिए जिस किसी चीज का आप उपयोग कर रहे हो उसको संभाल करके रखिए, आगे में अभी के काम में आएगा वरना पता चला प्यासे मर गए। जिस किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हो उसको संभाल करके रखिए, वापस भेज दीजिए जहाँ से लिए हो, क्योंकि कहते हैं हर एक वस्तु का उचित स्थान कहाँ होता है, उसके उचित स्थान पर रखना ही सफाई है, तो आप सफाई से काम कीजिए वरना पैसे मर जाएंगे। और इस बार दूर से ही गोल पोस्ट को लक्ष्य करके दागे ही एक प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन सरा के लिए चुके, हालांकि एक कॉर्नर की हासिल करने में सक्षम और वो टीम है सुभाष ग्राम। टीम में इस मैच में जो मुख्य रेफरी का रोल अदा कर रहे हैं वो है वनवल्ली रफू शेख सर जी, और उनके साथ असिस्टेंट रेफरी का रोल अदा कर रहे हैं मिस्टर आकाश और विनय गोल्लर जी सर जी, तीनों ही अपनी निगरानी के माध्यम से इस मैच को अंतिम रूप देंगे और तीनों ही अच्छे रेफरी है, अच्छा एम्पायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं रफू सर कितना दौड़ धूप करके इस मैच में निगरानी कर रहे हैं। और संजू भैया जो डिफेंडर से खेलते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपने में खड़े रहे तो राहुल तो आप पहले से खड़े थे ऑफसाइड में, आप इस तरह से ऑफसाइड में खड़े मत रहिए, बॉल में भी दाग दोगे तो बॉल नहीं मानने करेंगे हम। एक बार फिर से वन स्टोन पोजिशन में बॉल चीनी की प्रक्रिया प्रयास प्रचेष्टा चलाते हुए दूर से ही लेफ्ट आउटर से खेलते हैं जो टीम, लेकिन इस बार जरा के लिए चुके और बॉल आउटलाइन के बाहर जाता हुआ। दोनों टीम शून्य शून्य के स्कोर पर अब भी मैच में आक्रामक रूप देखने को तो मिल रहा है, साथ ही साथ गेम और स्किल का कौशल्य का जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, तो आप इस तरह की मैच देखने से ना भूले ना चुके, और मौसम इतनी सुंदर सी करवट ले चुकी है कि आप इस मौसम में मैच देखने में भी आपको कोई तकलीफ ना होगी और ना ही हमारे भाई लोगों को खेलने में कोई तकलीफ हो रही है।
तो इस तरह से मौसम तो करवट ले चुके हैं, मैं भी थोड़ा सा करवट लेना चाहूंगा और करुण लेकर के इस माइक को थमाना चाहूंगा मिस तनुश्री के हाथ में। इस मैच की आगे का कहानी जो भी है वो सुनाएगी मिस तनुश्री अपनी जुबानी। धन्यवाद सर। इसी बीच हम आपको लेके चलते हैं मैच के बीचों बीच जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, वर्धा वर्सेस सुभाष ग्राम बाजार, जो दोनों ही टीम बड़े ही खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही टीम अपने अपने जगह पे बराबरी खेल रहे हैं। वर्धा टीम गोल डालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कभी ऑफसाइड तो कभी कुछ दूसरे हमारे खूबसूरत गोलकीपर के कारण वो गोल नहीं कर पा रहे। और वहीं पे हमारे सुभाष ग्राम के खिलाड़ी भी बहुत ही प्रयत्न कर रहे अपने गोल करने के लेकिन वो भी असफल रहे हैं। और इसी के साथ दोनों ही टीम 0-0 से अपनी जगह बरकरार रखे हैं। बोलते ही बोलते यहाँ पे फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश वर्धा का, लेकिन यहाँ पे हमारे सुभाष ग्राम के डिफेंडर ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बॉल को क्लियर कर चुके। यहाँ पे फिर से सुभाष ग्राम का काउंटर अटैक करने की कोशिश, देखते क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे हमारे लाइनमैन का इशारा, बॉल बाहर। यहाँ पे सुभाष ग्राम कर रहे थ्रोइंग, सुभाष ग्राम का थ्रो, सुभाष ग्राम अपने साथ ही खिलाड़ी 7 नंबर जर्सी को थ्रोइंग करते हुए, लेकिन बॉल फिर से बाहर। फिर से वर्धा की थ्रोइंग, वर्धा थ्रोइंग करते हुए यहाँ पे फिर से वर्धा थ्रोइंग कर रहे अपने साथी खिलाड़ी को। यहाँ से फिर से वर्धा अपना काउंटर अटैक करने की कोशिश में, अभी देखते हैं वो क्या कर पाते हैं, या वो गोल डाल पाएंगे या नहीं, या फिर इस खेल का क्या नतीजा होगा, अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। दोनों ही टीम अपने अपने जगह पे बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं कि वो इस खेल के लेखा जोखा को कुछ बदल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों ही टीम अपने प्रयास प्रयत्न में है कि वो अपनी कुछ लेखा जोखा बदल सके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोनों ही टीम अपने अपने जगह पे बहुत ही ज्यादा प्रयत्नशील है। और इसी बीच वर्धा और जो सुभाष ग्राम बाजार के बीच में मैच चल रहा है, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही खूबसूरत अपने खेल का कौशल्य प्रदर्शन करते हुए हर कोई, हर प्लेयर अपने खेल का नायाब प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे इस नायाब प्रदर्शन को हमारे यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं प्लेयर्स और इस खेल का आनंद उठा रहे हैं हमारे दर्शकगण, जो कि इस फुटबॉल प्लेयर में ऐसा हमारे नाथ सर बोलते हैं कि फुटबॉल की देवी देवता जो देवी है उसके देवी माना जाता है या फिर भगवान माना जाता है, देवी माना जाता है, भगवान माना जाता है दर्शकों को, वही इस खेल के सब कुछ होते हैं। और यहाँ पे हल्के हल्के बारिश के थे, हल्के हल्के बारिश के बूंदों के साथ यहाँ पे खेल आगे बढ़ते हैं। बोलते ही बोलते यहाँ पे हमारे रेफरी सर का विसर कि यहाँ पे तुम फाउल कर रहे हो, अगर तुम कुछ भी गलती करते हो तो यहाँ पे हमारे सर आप लोगों को नहीं छोड़ने वाले, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी चूक हमारे रेफरी सर की आंखों से नहीं बच सकती। फुटबॉल यानी कि भाईचारे का खेल, यानी फ्रेंडशिप का खेल, इसमें भाईचारा और फ्रेंडशिप को बनाए रखें। बंधुत्व और भाईचारा को जब तक आप बनाए नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल का ओलंपिक जो पेरिस में आयोजित किया गया था, ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें चक्र बनाया जाता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। वो एक दूसरे का साथ जुड़े क्यों रहते हैं, वो यह प्रदर्शित करते हैं कि हम सभी देश जो ओलंपिक में भाग लेते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा और बंधुत्व का रिश्ता बनाए रखेंगे, इसीलिए वह लोगो वह सिंबल दिखाया जाता है। और वही हर गेम हर स्पोर्ट का एक लोगो एक मोटो होता है और उसी को यहाँ पे फुटबॉल में बनाए रखेंगे, ऐसा मैं सभी
भाइयों से अनुरोध करती हूँ। बोलते ही बोलते यहाँ पे वर्धा का पास अपने साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ते हुए फिर से वहाँ पे सुभाषग्राम के पैरों में बल, सुभाषग्राम फिर से वर्धा वहाँ पे काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे गोलकीपर ने बॉल को हाथ में उठा दिया। फिर से वहाँ पे वर्धा के पैरों में बॉल, यहाँ पे फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन बॉल बाहर। शुभलग्राम का शुभ बड़े ही खूबसूरत तरीके से बैटिंग करते हुए यहाँ पे वर्धा अपने साथ ही खिलाड़ी को देते हुए फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, फिर से शुभलग्राम के 12 नंबर जर्सी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ पे हमारे रेफरी सर का भी सर यहाँ पे फ्री किक करने वाले हैं वर्धा। दे दे यहाँ पे वर्धा का वर्धा अपने पोजीशन लेके रेडी फ्री किक करने के लिए गए। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत पोजीशन से मिला है, अभी देखते हैं वर्धा क्या कर पाते हैं, इसको गोल में डाल सकते हैं या नहीं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शॉट है, लेकिन यहाँ पे हमारे गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो अपने खेल का, अपने कौशल्य का इतना बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं कि वर्धा की टीम गोल नहीं डाल पा रही। यहाँ पे फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, वर्धा तीन नंबर जर्सी अपने साथी खिलाड़ी को देते हैं। यहाँ पे लंबा पास, यहाँ पे फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, यहाँ पे क्या सुंदर बैक किक था 11 नंबर जर्सी सुभाषग्राम के, फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, वर्धा के प्लेयर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हैं आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पास से आगे लेके जाते हैं वर्धा के खिलाड़ी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑफसाइड, यहाँ पे फिर से ऑफसाइड होने के कारण फिर से ये गोल को, अगर वो गोल डाल भी देते तो उसको मान्य नहीं किया जाता। यहाँ पे फिर से बैटिंग कर रहे शुभलग्राम, यहाँ पे शुभलग्राम का बैक किक, शुभलग्राम का लंबा किक, यहाँ पे फिर से हेड से बॉल को क्लियर करते हैं, फिर वर्धा के पैरों में बॉल अपने साथ खिलाड़ी को सेंटर फॉरवर्ड करते हुए, वहाँ से फिर से वर्धा के 8 नंबर जर्सी बॉल को आगे लेके जाते हुए वर्धा अपने साथ खिलाड़ी को ढूंढते हुए छोटे छोटे कदमों से आगे लेके जा रहे हैं। वर्धा अपने साथ खिलाड़ी को सेंटर फॉरवर्ड करते हुए फिर से वर्धा, फिर से वर्धा, लेकिन वहाँ पे फिर से शुभलग्राम ने बॉल को छीन लिया, लेकिन वहाँ पे फिर से बॉल वर्धा के पैरों में जमा। वर्धा फिर से अटैक करने की बारंबार कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से लंबा किक वर्धा का, लेकिन शुभलग्राम के डिफेंडर ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बॉल को क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे वर्धा का लंबा किक, यहाँ पे फिर से वर्धा के पैरों में बॉल, फिर से वर्धा अपने साथी खिलाड़ी 13 नंबर जर्सी आगे लेके जाते हुए बॉल को, वर्धा के 13 नंबर जर्सी अपने साथी खिलाड़ी को फॉरवर्ड करते हुए, लेकिन यहाँ पे ऑफसाइड, यहाँ पे वर्धा तीन बार गोल करने की कोशिश में, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण यह गोल मान्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बैक किक कर रहे सुभाषग्राम, यहाँ पे सुभाषग्राम का बैक किक, सुभाषग्राम अपने साथ ही खिलाड़ी 10 नंबर के प्लेयर को देते हुए, लेकिन बोलते ही बोलते बॉल बाहर। थ्रोइंग कर रहे सुभाषग्राम, यहाँ पे सुभाषग्राम का लंबा थ्रो, यहाँ पे फिर से वर्धा, लेकिन वर्धा अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए आगे लेके जाते हुए बॉल को, यहाँ पे 13 नंबर जर्सी देखते हो क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। यहाँ पे फिर से अपने साथी को वर्धा का पास, 9 नंबर जर्सी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हुए बॉल को लेकर, फिर यहाँ पे फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे बॉल को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सुभाषग्राम के डिफेंडर ने डिफेंस कर चुके हैं। फिर से सेंटर में बॉल, यहाँ पे फिर से सेंटर में अपने साथी खिलाड़ी को सेंटर फॉरवर्ड करते हुए, फिर से सेंटर में बॉल, अभी देखते हो क्या कर पाते हैं। यहाँ से लंबा किक अपने साथी खिलाड़ी वर्धा में, यहाँ पे फिर से वर्धा अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए बॉल को आगे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे फिर से गोलकीपर के सूझबूझ ने सुभाषग्राम को बचा लिया। यहाँ पे गोलकीपर का लंबा थ्रो, गोलकीपर यहाँ पे चंदन भैया के पैरों में बॉल, देखते चंदन भैया का क्या कर पाते हैं, लेकिन बोलते ही बोलते यहाँ पे बॉल बाहर। यहाँ पे थ्रोइंग कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से थ्रोइंग से गेम स्टार्ट होने वाला है। सुभाष थ्रोइंग करने जा रहे हैं सुभाषग्राम,
यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प और घमासान युद्ध छेड़ चुके हैं सुभाषग्राम और वर्धा के बीच। यह युद्ध का कुछ भी फलाफल हम नहीं जान सकते अभी, लेकिन यह युद्ध खून खराबे का युद्ध नहीं, यह युद्ध फुटबॉल का युद्ध है, जिसमें फुटबॉल का आनंद, फुटबॉल का प्रेम झलकता है, जिसमें भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का बंधुत्व का प्रेम झलकता है। इसी के साथ यह फुटबॉल का युद्ध यहाँ पे बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ पे बोलते ही बोलते सुभाषग्राम का कॉर्नर किक देखते हैं, वो क्या करते हैं, काउंटर अटैक कर पाते हैं या नहीं, यहाँ पे फिर से चंदन भैया का प्रयत्न, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पे वर्धा अपने बॉल को आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे वर्धा के 13 नंबर व्यक्ति क्या कर पाते हैं, यहाँ पे शुभजीत भैया का बहुत ही सुंदर डिफेंस, फिर से वर्धा के 14 नंबर व्यक्ति अपने साथी खिलाड़ी 13 नंबर व्यक्ति को देते हैं, यहाँ पे फिर से वर्धा का काउंटर अटैक करने की कोशिश, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। फिर से वर्धा बोलते ही बोलते यहाँ पे बाल बाल बचे सुवाल ग्राम के मार्केट टीम। यहाँ पे मैं सनातन सर से अनुरोध करूंगी कि वो इस मैच का आंखों देखा हाल आगे का आपको मुझबानी सुनाने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से दोनों टीम के प्लेयर द्वारा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए, लेकिन कोई भी टीम अभी तक स्कोर कर नहीं पाए 0-0 के स्कोर पर। दोनों टीम खेल रही है, इस बार आक्रमण सुभाषग्राम की आक्रमण, इस बीच वर्धा के प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने साथी प्लेयर को देते हुए सुभाषग्राम, फिर से एक बार वर्धा के प्लेयर कॉर्नर को बॉल दे देते हैं और टी के बीचों बीच बॉल शानदार हेडर का प्रदर्शन दिखाते हुए सुभाषग्राम के प्लेयर, इस बीच फिर से एक बार वर्धा के प्लेयर और शानदार की उत्तम शानदार तरीके से जितने भी तारीफ की जाए वो कम है, जो कि हमारे सुभाषग्राम से बोलने पर छोटू जितने भी तारीफ की जाए वो कम है, काफी अच्छे तरीके से गोलकीपर का प्रदर्शन दिखाते हुए आसिफ जी, जिनको आप छोटू कहेंगे बोलते हैं प्यार से, आई कॉल नेक्स्ट मैच सुभाषग्राम वर्सेस आज टीम, बोथ द टीम कैप्टन, बोथ द टीम मैनेजमेंट, बोथ द टीम कोच, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज रेडी योर टीम बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू हैव टू एंटर द फील्ड, सो आई रिक्वेस्ट टू सुभाषग्राम वर्सेस आज टीम please ready your team because after the some time you have to enter the field, so I request to please ready your team RSK versus Subhashgram। चलिए फिर से एक बार Subhashgram, Subhashgram के पैरों पे बॉल, फिर से एक बार वर्धा, वर्धा की शानदार किक और इस बीच फिर से एक बार गोल दागने में सक्षम हुआ, मेरा कैमरा पहुंचा नहीं, मैं उधर देखते देखते साइड में रह गया, काफी कोशिश के बाद मैंने पहले भी कह चुका था ये कहावत है लाहौर से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, आखिर हार हुई नहीं, एक गोल दागने में सक्षम हुए वर्धा के प्लेयर, वर्धा एक गोल से आगे, इसके बाद का जो मैच है सुभाषग्राम वर्सेस आज की आपको मैदान में प्रवेश लेना है, क्योंकि इसके बाद काफी सारे खेल आप लोगों को खिलाने हैं इसके मैदान में, तो आपको विनती करता हूँ कि आप अपने टीम को तैयार रखें आज की वर्सेस सुभाषग्राम। एक बार सुभाषग्राम के प्लेयर के पैरों में बॉल उठते अच्छे तरीके से बॉल को क्लियर करने में सक्षम, फिर से एक बार सुभाषग्राम संजू और इस बीच हमारे रेफरी महोदय के हुसल फ्री किक लेने के लिए तैयार है सुभाषग्राम के प्लेयर, शानदार किक, बीच बॉल, इस बीच फिर से एक बार वर्षा,
वर्धा रेडी वर्धा के प्लेयर देखते हैं क्या कर पाते हैं। वर्धा के प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने साथी प्लेयर को देते हैं टीम के बीच बीच बॉल, फिर से एक बार आक्रमण वर्धा के आक्रमण। इस बीच हमारे गोलकीपर सुभाष ग्राम के गोलकीपर छोटू बॉल को क्लियर करने में सक्षम, फिर से एक बार बॉल। अभी आज की बात से सुभाष ग्राम एक जो मैच होने वाला है इसमें मुख्य पहुंच रहेगा कृष्णा शक्कर सर, साथ में असिस्टेंट रेफरी के रूप में मम्मू सर और अभिषेक अल्लाह सर। इसी प्रकार तीनों ऑफिशियल कृपया ध्यान दें, ये मैच जैसे समाप्त हो जाएगा आपको मैदान में प्रवेश लेना है। चलिए सभी को ले चलते हैं बिल्कुल मैच के बीचों बीच। इस बीच फ्री किक का इशारा रेफरी द्वारा, फ्री किक फेवर ऑफ सुभाष ग्राम के फेवर में, अपने साथी प्लेयर को फॉरवर्ड करते हुए सुभाष ग्राम के 10 नंबर जैसी पहना हुआ खिलाड़ी ऊंचा लंबा किक टी के सामने बॉल, उतना अच्छा हेडर का प्रदर्शन दिखाते हुए। इस बीच फिर से हमारे रेफरी महोदय के विशल फ्री किक लेने के लिए तैयार है। फिर से एक बार सुभाष ग्राम के प्लेयर वहाँ पे, फिर से एक बार वर्धा के प्लेयर बॉल को लेके अपने साथी प्लेयर को फॉरवर्ड करते हुए वर्धा के प्लेयर हल्के हल्के कदमों से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अपने साथी प्लेयर को देते हुए, फिर से एक बार डी के बीच बीच बॉल आक्रमण, फिर से एक बार आक्रमण लेकिन नहीं, थोड़ा सा दिशाहीन किक होने के कारण बॉल सीधा रेखा से बाहर, छोटा सा किक अपने साथी प्लेयर को देते हुए, फिर से एक बार सुभाष ग्राम के प्लेयर के पैर में बॉल, कॉर्नर को बॉल दिया देखते हैं। इस बीच डिफेंडर ने बॉल को क्लियर करने में सक्षम। नेक्स्ट मैच हाई कॉल सुभाष ग्राम ए वर्सेस बोधा टीम कैप्टन, बोधा टीम मैनेजमेंट, टीम कोच, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रेडी बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू हैव टू इंटर द फील्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रेडी योर टीम सुभाष ग्राम ए वर्सेस आस्टिक। फिर से आक्रमण वर्धा के आक्रमण और शानदार किक लेकिन इस बार दिशाहीन किक, बॉल रेखा से बाहर और यहाँ बैक किक का इशारा खत्म मैच। फिर से एक बार खेल की शुरुआत हो चुकी है। फिर से सुभाष ग्राम के प्लेयर 7 नंबर प्लेयर देखते हैं क्या कर पाते हैं, 7 नंबर प्लेयर अपने साथी प्लेयर को 15 रन रखते हुए, फिर से वर्धा के प्लेयर बॉल को क्लियर कर रहे हैं देखते हैं और बॉल सीधा रेखा से बाहर की ओर जाते हुए। और इस बीच चलो मैच खत्म, इस खेल की